जनरल बोगी में भी यात्रा का बड़ा आनंद है और किस तरह से लोग जुगाड़ लगा लेते हैं। अभी मैं प्लेन से आया मुंबई से और फिर ट्रेन का सहारा लेना पड़ा और ट्रेन के जनरल बोगी में किसी तरह से खड़ा होने की जगह मिल गई है। ये देखिए लोग आ रहे हैं और जुगाड़ ऐसा कि देखिए चप्पल का जुगाड़ बना दिया गया है। यहाँ चप्पल है और जुगाड़ दिखा रहा हूँ। यह देखिए बात करके चद्दर और इसमें देखिए इसमें भी बना लिया गया है जुगाड़। नीचे लोग खड़े हैं और इधर दरवाज़ा है। कहीं निकलने की जगह नहीं है। चलिए मैं आगे दिखा रहा हूँ। इसी में ननका आ गया है बेचते हुए। क्या बेच रहे हो बेटा? बीमल। क्या पैसे का एक टू बीमल है? दस की एक। दस की एक मिलता है? दिखाओ बीमल, देख लीजिए। दिखाओ, यह है बीमल। ननका बीमल बेच रहा है। पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं करते हो? और बीमल खाते भी हो? खाते नहीं। क्यों नहीं? देखो क्यों बेचते हो बताओ। अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है? बाबू मरगल हो। कहाँ घर है तुम्हारा? दुल्लापुर। कहाँ, कौनी गांव में? पंडितपुरा में। तो इधर तुम लोग को रोजगार है, कुल जरा भी चला लग पता हमके बेटा है। देखिए यह है जहाँ ये बता रहा है दुल्लापुर में देवा में, देवा में तो यही करते हैं लोग। जाओ लेकिन यह काम ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम जेल जाओगे? जेल जा सकते हो तुम। चलो देखिए भैया यह है, यह 2 अक्टूबर को निखिल गुटखा बेचते हुए मिल गया। यह आज से नशा उन्मूलन हो रहा है 2 अक्टूबर को। और निखिल पढ़ाई नहीं कर रहा है, गुटखा बेचते बेचते बीमल बेच रहा है 10 रुपया में। तो खाने वाले भी नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें लत लगी है। और देखिए आप कहीं भी जाने लायक नहीं है। यदि लघु शंका के लिए आपको जाना होगा तो आप जा नहीं पाएंगे। थोड़ा सा और भैया थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो बनारस से आ रहा हूँ। अच्छा, बनारस से आ रहे हैं। मुंबई से कोई आने वाला है? अच्छा, अरे बाप रे। चलिए थोड़ा सा मैं, हाँ आप मुंबई से आ रहे हैं? अरे बाप, कब चले आप मुंबई से? और खड़े खड़े आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? अच्छा यूसुफपुर जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, बिहार जाएंगे मुजफ्फरपुर। देखिए आप देख सकते हैं नीचे, अभी ऊपर भी देखिए, ये साहब क्या है। अब थकान, अब भूख न जाने सूखी रोटी, नींद न जाने टूटा खाट। तो किसी तरह से जगह मिल गई है बेचारे को। देखिए अब ये अच्छे ढंग से सो गए हैं। यह सोने की जगह नहीं है। उधर आगे देखिए, मैं और थोड़ा सा बढ़ के दिखाता हूँ भैया, थोड़ी सी जगह दीजिए। देखिए देखिए लोग, मैं आगे दिखा नहीं पा रहा हूँ भैया। आप भी मुंबई से आ रहे हैं? आए अच्छा मुंबई से, तो ये लोग पूरी दुर्गत झेल करके आ रहे हैं, देख लीजिए। और पूरा किराया दिया है और दंड इस तरह से भुगतेंगे। दंड तो भुगतेंगे ही, ये वहाँ से जाएंगे तो ये गाड़ी भी चलान होगी ओवरलोड में। अच्छा, ये गाड़ी जो है एकदम ओवरलोड ही है। अच्छा, ये गाड़ी ओवरलोड है, इसकी चलान कौन करेगा? इसकी चलान करेगा तो, कौन, ये आप बताएंगे? ये तो बहुत बड़ी बड़ा सवाल कर दिया आपने। आप जो है इसका जवाब देंगे। लोग जो है चलान कर रहे हैं सारी गाड़ियों का, इस गाड़ी का चलान कौन करेगा? वाह वाह क्या बात है, आप कराइए उसको। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जुर्माना दे रहे हैं और इस पे जुर्माना नहीं, बहुत बड़ा सवाल किया है। बैठे हैं यहाँ नीचे, मैंने पूरा किराया दिया उसके बाद भी बैठने नहीं दिया गया। ओवरलोड गाड़ी है, इसकी चलान कौन करेगा? बड़ा सवाल। कहाँ जाना है सर आपको? हमको तो बलिया जाना है। बलिया जाना, ये है बागी बलिया, बागी बलिया है। चलिए सर आप कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से हैं आप? हम बता रहे हैं, आए छपरा, हबड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब होने जाएंगे? एकदम नहीं सुने हैं? अरे किसका गीत है यार, किसका गीत है? खेसारी लाल का। क्या है, कैसे है, थोड़ा सा बताइए। ये तो जानकारी नहीं है। सब ही के डर से हुए हैं फरार, कौन बताएगा? खेसारी लाल का गाना बताओ। आप सुने हैं कि नहीं?
ट्रेन रुक गई है सारनाथ में, ट्रेन सारनाथ रुक गई है, अब इसके आगे बढ़ने की हमारी स्थिति नहीं है। अरे हमारा बैग सुरक्षित रहेगा ना? बैग सुरक्षित रहना है या आप जानते हैं? चलिए भैया, आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन बापू भी कभी यात्रा जनरल में करते थे। अच्छा नहीं, बाथरूम नहीं, बापू की बात हमने किया है। अच्छा हाँ, और बाथरूम तो रोकना ही पड़ेगा, बाथरूम तो रोकना ही पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बोगी तो बढ़ाइए, बोगी तो बढ़ाइए, बोगी बोगी नहीं ना पड़ेगा, हम कर दिया ना ये कैसे पहले चार बोगी। अभी अभी मुंबई से आ रहे हैं? हाँ बॉम्बे से आ रहे हैं, बहुत तकलीफ। बाथरूम में बैठ के आए हम लोग, बाथरूम में बैठ के आए हैं। हाँ कहाँ तक जाएंगे भैया? बाथरूम में मधुबनी जाएंगे, बिहार जाएंगे। अच्छा बिहार जाएंगे? हाँ मधुबनी जाएंगे। अच्छा आप भी उसी तरह से आए भैया? अच्छा ये बताइए, वहाँ उनकी ये सुन रहे हैं टिकट लेने के बाद भी प्लांट लग गए हैं बाथरूम में? अच्छा भाई साहब से बात कर रहे हैं, 500 रुपया फाइन लिया सब लोग। यह देखिए बता रहे हैं भैया, 500 रुपया फाइन पुलिस वाला लिया, ऊपर से मारा भी। कहाँ? मुंबई में? नहीं आपको इधर इलाहाबाद में। देखिए मुंबई में भी यही हाल होता है और इलाहाबाद में भी बता रहे हैं लोग कि पुलिस वाले ने मार करके पुलिस वालों ने पैसा लिया। ये है साहब, वोट तो लेने में बड़ा जाति की बात करके, धर्म की बात करके, नफरत की बात पैदा करके वोट ले लेंगे, लेकिन इनकी गरिमा का क्या होगा? और पुलिस पीटेगी, वाराणसी में भी यही होगा, जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं और जो वहाँ से आने वाली ट्रेनें हैं उनका भी यही हाल है। मैं तो यदा कदा यात्रा करता रहता हूँ, खड़ी होने की जगह मिल गई है और मैं भी जाऊँगा यहाँ से यूसुफपुर, एक निमंत्रण में यूसुफपुर माने बलिया और गाजीपुर के बीच में यह ट्रेन चल रही है। आप देख रहे हैं सारनाथ यह है, टिकट रहते हुए फाइन हुआ है। अच्छा टिकट रहते हुए फाइन हुआ है? हाँ। कैसे टिकट रहने के बाद? टिकट देख लिया है, बोला टिकट नहीं चलेगा, 200-500 रुपया फाइन दो, नहीं चलेगा। बोल करके नहीं ये टिकट नहीं चाहिए। टीटी था कि पुलिस वाले थे? टीटी करता है लोगों से कि जिस ट्रेन की टिकट रहती है वो ये कहता है कि इस रूट की ये टिकट नहीं है, इस ट्रेन का टिकट नहीं है, किसी दूसरे ट्रेन का टिकट है, या तो प्लांटी दीजिए या तो नेता जेल चलिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए भैया सुन लीजिए, रेल मंत्री और रेल के अधिकारी लोग क्या होता है, यही स्थिति है। कहाँ गया इनका विजिलेंस? और सही है 600 रुपया टिकट दिखाइए अपना। हाँ दिखाइए टिकट, दिखाइए हो टिकट, दिखाइए जो पैसा लेके गया 600 रुपया जो जबरदस्ती लेके गए। चलिए ऐसा ही वही से दिखा दिया है, उधर भी लिया है और टिकट नहीं। देखिए टिकट इन लोगों ने लिया है सभी ने, दूसरा रूट क्या है? और मुंबई से आ करके कि दूसरे रूट का है, दूसरा रूट क्या है? आप बताइए इन या जो टीटी है और पुलिस वाले हैं इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार? आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और यह जनरल बोगी है, यह सभी की पीड़ा है और पूरा मामला मैं संदर्भित करता हूँ रेलवे मंत्रालय को। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्केट से। आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए यह जो रेलवे का भ्रष्टाचार है इसे दिखाते हुए धन्यवाद। ये कोई फंडा